कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैं आ गया नवीन भैया की दुकान, नवीन भैया से ले लिया लौंग लता और समोसा। तो लौंग लता एक ही दुकान है जो उदयपुरा में मिलती है यहाँ पर। तो जय राम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आपके अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो जो भी नए लोग आए भाई चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारी प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। अभी मैं खड़ा हूँ देखो एक ये हाईवे के पास चिकली रोड पे, चिकली गांव चल रहे हैं अपन। यहाँ पे चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, तो वहाँ जाके अपन श्रवण करते हैं भगवान जी की श्री भागवत कथा और फिर देखते हैं जो भी होता है आपको बताते हैं। चलते पहले अपन चिकली। तो फाइनल फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं चिकली और यहाँ पे आके हमें पता लगा कि श्री राम जी की कथा चल रही हो। मैं आपसे बोल रहा था श्री भागवत जी की कथा है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि राम जी की कथा है। तो हमने राम जी की कथा को यहाँ पे श्रवण किया और फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है ये एक फूल। यूनिक फूल है, देखो भाई टू कलर का फूल है, आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बना रहा हूँ उल्लू। देखो भाई एक ही फूल है, अलग ही था। और यहाँ पर अब हो जाती है आरती शुरू। अब यहाँ पर आरती करवाते हैं और फिर यहाँ से जाना है, हमें अर्जेंटली निकलना है उदयपुरा में रिबांचल कॉलोनी में, हमारा एक सुंदरकांड का पार्ट है। तो अपन चलते हैं यहाँ से जल्दी आरती करवा के उदयपुरा। आप वापस आ गए अपन उदयपुरा और ये आ गए विष्णु चाट भंडार, क्योंकि उदयपुरा का एकमात्र दुकान है जहाँ पे लौंग लता मिलती है। तो अपन ले लेते हैं समोसा लौंग लता, क्योंकि आज दिन भर से अपन बाहर थे तो बहुत भूख लगी है, 6 बजे का है शाम के और अभी तक मैंने कसम से कुछ भी नहीं खाया। कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया तो बहुत भूख लगी थी। तो मैं आ गया नवीन भैया की दुकान, नवीन भैया से ले लिया लौंग लता और समोसा। तो लौंग लता एक ही दुकान है जो उदयपुरा में मिलती है यहाँ पर। तो आप भी आना, आप भी खाना जल्दी, हम खा लेते हैं। उसके बाद मैं चला गया था घर और घर पे मुंह हाथ धुल के एक नंबर फ्रेश होकर आ गया हूँ। और जतिन भाई हमें आ गए थे लेने और इनके साथ चलना पर एक सुंदर कांड अपना रेवांचल में। उदयपुरा के पास एक किलोमीटर दूर एक नई कॉलोनी है जिसका नाम है रेवांचल। तो मैं चलते हैं वहाँ पर ना सुंदर कांड है, चलते हैं भैया अपन सुंदर कांड में। फाइनल फ्रेंड साहब, आ चुके हैं अपन रेवांचल कॉलोनी में और इस मकान में अपना है सुंदरकांड। ये देखो यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है, केशव भाई तबला चढ़ा रहे हैं, गौरव भाई बैठे हैं, मुकेश भैया ढोलक चेक कर रहे हैं, आदरणीय महाराज जी और ये अपने शैलेश भाई, जतन भाई, गौरव वाले महाराज जी, ये गुरु जी और नित्य कक्का जी जिनका साउंड है ये साउंड, अभी साउंड सर्विस। अब यहीं पे सुंदरकांड अपना होगा शुरू और जैसे ही प्रारंभ होगा हम आपको सुनाएंगे। Yeah.
सुंदरकांड संपूर्ण हो चुका है और देखो ये प्रसादी आ चुकी है। ये प्रसाद है, सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद को। ये देखो सभी लोग बैठे, सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, सभी बैठे आदरणीय महाराज जी, सभी लोग बैठे हैं। अब हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हो चुका अपना प्रोग्राम पूरा, सुंदरकांड कर लिया और प्रसादी भी ग्रहण कर ली। अब सभी लोग चलते हैं। देखो ऐसे हारमोनियम ये रखे हैं और ये मुकेश भैया और ये बैठे हैं अपने गौरव भाई पीछे शैलेश। ये गाड़ी पे तीन लोग, ये गाड़ी पे केशव और ये और गुरुजी आ रहे हैं हमारे साथ। चलते हैं अपन इससे, अब चलते हैं विद्यालय साइड है, सामान रखना वहीं पे। अब आ गए अपन गौरव भाई को छोड़ने के लिए घर और ये भी आए थे साथ में। इधर देखना जरा चंदन, देख रहा है ऐसा लग रहा है मांग भरी हो इन अभी शादी हो गई इनकी। अब चलते हैं अपन घर, हम भी जाते हैं भैया घर। आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय राम जी।